ओके तो हमारा जो अगला प्रोग्राम है उसमें हमें क्या करना है, कोई भी 5 नंबर हो या 10 नंबर हो, कितने भी नंबर गिवन हो, ठीक है, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग में जमाना है। तो असेंडिंग अरेंजमेंट और डिसेंडिंग अरेंजमेंट का प्रोग्राम एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो उसको कैसे करना है और कैसे प्रोग्राम लिखना है ये मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो अपने को यही है कि जो आपने पिछली बार जो प्रोग्राम मैंने बताया था कि सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पॉइंट है ना, उसके लिए हमने कुछ वैल्यूज ली थी। यहाँ पे दिख रहा होगा कि 3000 एड्रेस पर, ये मेमोरी एड्रेस है, 3000 एड्रेस पे 25 है, 3001 पे 15 है, 3002 पे 45 है, 3003 पे 35 है एंड 3004 पे 55। ओके तो हम क्या कर रहे थे कि जो पहली लोकेशन का 3000 वाले लोकेशन पे जो डाटा है उसको 3001 से मैच कर रहे थे, फिर 3000 को 3002 से मैच कर रहे थे, फिर 3000 को 3003 से मैच कर रहे थे एंड 4 से मैच कर रहे थे। और एक वन बाय वन मैच करने के बाद में क्या होता था, जो भी हमारा फाइनल, जैसे 25 को 15 से मैच किया था, 25 और 15 में कोई स्वैपिंग नहीं होगा, फिर उसके बाद में इसी 25 को हम 45 से मैच करेंगे तो 25 और 45 स्वैप हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाता है 45। उसके बाद में 45 को 35 से मैच करते थे तो कोई स्वैपिंग नहीं हो रहा था क्योंकि 35 इज ऑलरेडी स्मॉलर। व्हाट वी आर फाइंडिंग, वी आर फाइंडिंग द लार्जेस्ट नंबर अमंग ऑल दिस, ठीक है। उसके बाद में लास्ट अपन क्या करते थे, लास्ट हमारा होता था कि भाई ये 45 को 55 से जब मैच करते हैं तो 45 और 55 को मैच करेंगे तो 55 यहाँ पे आ जाता है, 45 यहाँ। तो फाइनली होता क्या था कि इन 5 नंबर में से जो भी लार्जेस्ट है वो सबसे पहले लोकेशन आ जाता है। बट असेंडिंग सॉरी डिसेंडिंग जमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लार्जेस्ट, फिर सेकेंड लार्जेस्ट, फिर थर्ड लार्जेस्ट, फिर फोर्थ लार्जेस्ट एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब हमें ये जो है हमारा लार्जेस्ट तो फाइंड हो गया, तो मेमोरी एड्रेस 3000 को अपन इतना जो पार्ट है ना 3000 वाला हमारा काम हो गया। तो अब जो हमारा अगला पॉइंटर लगेगा वो किस पे लगेगा, हमारा 3001 से स्टार्ट करेंगे। मतलब अब हम क्या करेंगे कि जो 3001 है ना उसको मार्क कर लेते हैं, 3001 को मार्क कर लेते हैं ना, ये वाली लाइन को मार्क कर लेते हैं अपन, ठीक है। और 3001 वाले को मैच करेंगे, 3001 वाले को मैच करेंगे पहले 3002 से, ठीक है। 3001 को 3002 से मैच किया, 15 और 25 को जब मैच किया तो पता चला कि 15 छोटा है 25 बड़ा है तो ये स्वैप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 25 आ जाएगा और यहाँ पे, उसके बाद 3001 को ही मैच करेंगे 3003 से, मतलब अब जो 3001 को मैच करना है किससे, अपने को 3003 से मैच करना है। तो ये 3001 और 3003 का मैच होगा, 3003 पर क्या है, 3003 पर है 35, 35 और 25 को मैच करेंगे तो फिर 25 स्मॉलर है तो 25 और 35 स्वैप हो जाएगा, तो ये 35 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। उसके बाद में 3001 को 3004 से मैच करेंगे तो 3004 से मैच कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो 3004 पे कितना है 45 है, तो अब मैचिंग किसकी हो रही, 3001 की 3004 से मैच हो रही, तो 35 और 45 को जब मैच करेंगे तो भी पता चलेगा कि 35 स्मॉलर, तो यहाँ पे आ जाएगा 45 और 35 यहाँ पे आ जाएगा। तो जब 3000 को इन तीनों से मैच किया, नेक्स्ट टाइम हम थ्री टाइम मैचिंग किए पर हमें सेकेंड लार्जेस्ट मिल गया। उसके बाद में अपन 3002 वाले को, मतलब ये लाइन हट गया अपना, अब हम 3002 वाले को मैच करेंगे, ऊपर के दो हमारे को मिल ही गए हैं, ठीक है, दो लार्जेस्ट हमें मिल चुके हैं। अब 3002 वाले को, मतलब ये 15 को मैच करेंगे 3003 वाले से और 3004 वाले से, 3002 पे 15 और 25 मैच होगा तो 25 ऊपर हो जाएगा 15 नीचे हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी 25 को 35 से मैच करेंगे तो यहाँ पे 35 आ जाएगा और यहाँ पे 25 हो जाएगा, मतलब अब दो बार ही मैच करना पड़ा। फिर ही हमारा थर्ड लार्जेस्ट भी मिल गया। इसके अंदर फोर्थ लार्जेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, 3003 वाले को मैच करेंगे, 15 और 25 को मैच करेंगे, अभी एक ही मैचिंग करना है, यहाँ पे 25 आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली हमें स्वैपिंग कब करना है, जब आपका जो नंबर जिसमें जिसको मैच कर रहे हैं जिस नंबर के साथ में, है ना, तो पहला नंबर अगर स्मॉलर है तो हमें स्वैप करना है और स्मॉलर नहीं है तो स्वैप नहीं करना है, सिंपल सा रूल है और कुछ इसमें एड ऑन नहीं, ठीक है। तो अभी उसी प्रोग्राम को, ये आपको मैंने लास्ट टाइम प्रोग्राम बताया था असेंडिंग डिसेंडिंग का, जिसमें हमारे 5 नंबर है 3000 से लेकर 3004 तक का, उसके अंदर हमने ये वैल्यूज ली थी 3000 SI में, DI में 3001, CL में 04 एंड इस तरीके से प्रोग्राम पूरा हमारा रन किया, ठीक है। अभी इसी प्रोग्राम को हम कन्वर्ट कर देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए और फिर असेंडिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे JNC है, ठीक है, जेएनसी है तो ये किसका था, लार्जेस्ट फाइंड करने का, जेसी था तो ये स्मॉलेस्ट फाइंड करने का। अभी लार्जेस्ट फाइंड करेंगे, ठीक है, और तो क्या जमेगा, डिसेंडिंग करने का। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक चेंज कर रहा हूँ उसका, देखें यहाँ पे अगर मैंने लिखा MOV
बी एक्स कॉमा 3000 3001 H, और यहाँ पे डी आई में डी एक्स को डाल दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं भाई, डी एक्स में हम डी आई में 3001 डाल रहे थे, डी आई में 3001 को डायरेक्ट में डालते हुए डी एक्स के थ्रू डाला, डी एक्स में 3001 डाला और फिर इसको हमने किस में डाल दिया, आपका डी आई में डाल दिया। उसी के बाद में हमारे यहाँ पे लिख देते हैं सी एल की जगह सी एच में 04 डालते हैं और यहाँ लिख देते हैं अपन एम ओ वी सी एल कॉमा सी एच, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, सी एच में तो 04 था, सी एल में भी 04 था, मैं 04 का हम डायरेक्ट ना देते हुए क्या दे रहे हैं, इनडायरेक्ट तरीके से दे रहे हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट तरीके से हमने दिया है यहाँ पे सी एच में 04 और उसको सी एल में डालते, तो अभी भी सी एल में 04 ही जा रहा है, डी एक्स डी आई में 3001 ही जा रहा है, बट एक चेंजेस करे हैं, मैं बताऊंगा इन चेंजेस क्यों करें, ठीक है। अभी हमें ऐसे क्या करना है, अरेंज करना है ना, पांचों लोकेशन पे अरेंज करना है, तो लास्ट लाइन की कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं। चलो इसके बाद में ये हमारा जो प्रोग्राम है सिंपल जैसा प्रोग्राम था ये वैसा के वैसा ही रन होगा, और ये क्या कर देगा आपको, सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर देगा पहली लोकेशन, मतलब 3000 लोकेशन पे हमें लार्जेस्ट नंबर जो आपके ये पांच गिवन नंबर है ना 25 15 45 35 and 55, तो इनमें से जो 55 है, जो 55 है वो लार्जेस्ट है, तो वो 3000 लोकेशन पे हमें मिल जाए। इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद इंटरेस्टिंग है हम INCSI, INCSI मतलब SI जो है वो पूरे प्रोग्राम के दौरान, इतने पूरे प्रोग्राम के दौरान SI की वैल्यू 3000 ही रही थी, बस DI की वैल्यू 3001 3002 3003 3004 बढ़ी थी, बट SI की वैल्यू 3001 ही रही थी। बट अगली बार इंटरेस्टिंग ये है कि हमें क्या करना है, 3000 को 3002 से 3 से 4 से मैच करना है, ठीक है। तो पहला लोकेशन हमारा 3001 होगा, दूसरा 3002 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे भी हमें SI को बढ़ाया और फिर मैंने बनाया INCDX, ओके, किसको बढ़ा दिया, DX को बढ़ा दिया, तो DX को भी बढ़ा दिया। अब इससे क्या होगा कि DX की वैल्यू बढ़ी है ना और SI की वैल्यू बढ़ी, इसके बाद में हमने लिखा DECCH, CH की वैल्यू को हमने क्या किया, कम किया, CH की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, अभी कम होके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और फिर लिखेंगे अपन JNZ back one, है ना, back नहीं लिख सकते क्योंकि back का हमने यूज कर लिया ना, इस लेवल का यूज कर लिया, तो back one को हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका प्रोग्राम, इसमें एक गड़बड़ है अभी, मैं इसको सही कर देता हूँ। DX को हमने बढ़ाया, DX बढ़ के कितना हो गया, 3002 हो गया, SI बढ़ के कितना हो गया, 3001 हो गया, बट DI को हम मैच कर रहे हैं ना, तो DI को यहाँ होना चाहिए, मतलब ये जो लाइन है इसको मैं कट करके यहाँ लगा देता हूँ, कोई दिक्कत। तो अब जो है प्रोग्राम, अब DI में क्या आएगा, DX की वैल्यू जो बढ़ गई 3002 DI में आएगा, और SI कितना हो गया, 3001 हो गया, JNZ back करेंगे, तो अब ये 3001 होगा, ये 3002 से स्टार्ट होगा, तो DI 3002 है, फिर ये स्वैपिंग का प्रोसेस तो ये हो ही रहा है, अगर कैरी नहीं आया तो कोई स्वैपिंग नहीं है, कैरी आ गया तो स्वैपिंग करना है ना, स्वैपिंग कब करना है, जब नंबर इज स्मॉलर, स्मॉलर है तब कैरी आया, फिर DI को बढ़ाते हैं, CL, अच्छा CL को भी देखो यहाँ पे, CL जो है वो कम होते 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 पहली बार ना 0 हो जाता है, बट अगली बार फिर से 3 बार मैच करना था, इसलिए हमने सी एच को क्या किया, 4 से 3 किया है ना, और फिर सी एच की वैल्यू जो 3 है वो इधर जाएगी, सी एल में 3 लोड होगा, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ तो हमें पूरा प्रोग्राम फिर से समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इसको अपन अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये इमुलेट का बटन दबाया, सिंगल स्टेप दबाया, अब अपन सबसे पहले तो यहाँ पे व्यू में जाके मेमोरी में जाके इसको अपडेट कर देते 3000 से, ओके, तो 3000 लोकेशन पर ये 25 जा चुका है, अगली स्टेप में देखो 45 जा चुका है मेमोरी लोकेशन पर, आप देखते रहेंगे ध्यान से, इधर साइड में आपका प्रोग्राम है, इधर आपकी मेमोरी लोकेशन से, ठीक है। अगली बार ये 45 गया, फिर अगली बार 35 गया, फिर अगली बार 55 गया, मतलब अभी केवल ये 5 लाइनें एग्जीक्यूट हुई है, ऊपर की ये जो 5 लाइनें ये एग्जीक्यूट हुई है। अब SI में कितना है, 3000 है, ठीक है, तो ये SI में 3000 जाएगा, देखो फिर DI में 3000, अच्छा DX में कितना गया, 3001 गया,
ओके सी एच में कितना गया, 0.4 गया। ओके अब अभी हमने सी एच की वैल्यू को किसमें डाल दिया, सी एल में, सी एल में भी कितना गया, 4 गया। और डी आई में क्या गया, 3000 में। ठीक है, तो एस आई में 3000 है, डी आई में 3001 है, सी एच में 0.4 है, सी एल में 0.4 है। ठीक है, अभी तक केवल वैल्यूज कही है। अब हम क्या कर रहे हैं, पहली लोकेशन मतलब 3000 लोकेशन पर जो डाटा है उसको उठा के एल में ला रहे हैं, ये 25 आ गया। और दूसरी लोकेशन मतलब 3001 पे जो है उसको उठा के बी एल में ला रहे हैं। अब 25 और 15 को मैच कर रहे हैं, मैच करेंगे तो पता चलेगा कि 25 इज ऑलरेडी ग्रेटर, तो यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगा। ठीक है, स्वैपिंग नहीं होगा। और डी आई की वैल्यू जो अगला, अब अगली वैल्यू से मैच करेंगे तो 3000 से कितना हो जाएगा, 3002 हो जाएगा। ये सी एल की वैल्यू कितनी थी, 4 से 3 हो जाएगी। और हम बैक पे जाएंगे, बैक पे गए, अब 3002 पे करने 45 आ जाएगा बी एल में, ये देखो 45 आ गया। 45 और 25 को मैच करेंगे तो यहाँ पे स्वैपिंग होगा, ये देखो आपस में स्वैप हो जाएगा। यहाँ नहीं दिखेगा स्वैप, यहाँ दिखेगा 45 इधर आ गया, 25 इधर आ गया। ठीक है, ये 25 और 45 स्वैप हो गया। उसके बाद में डी आई की वैल्यू फिर 3003 हो गई, सी एल की वैल्यू 2 हो गई, मतलब अभी दो बार और मैचिंग होगा। अब अगली वैल्यू जो थी आपकी 35 लोड होगा, है ना, अगली वैल्यू कौन सा होगा, 35 पहली लोकेशन पर अपना 45 है और 3000 बीएल में कितना आएगा, 35 आएगा। 45 और 35 को मैच करेंगे, कोई स्वैपिंग नहीं होगा, है ना, बट डीआई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, 3004 हो गया। अब 3004 पर कौन है भाई, 55 है ना, तो बीएल में कितना आएगा अभी, 55। सीएल देखो कम होके 1 हो गया, बीएल में कितना आएगा, 55। 45 को जब मैच करेंगे तो सेफ हो जाएंगे, यहाँ देखें ये 45 आपस में सेफ हो जाएंगे, ये देखो ये 55 हो गया और ये 45 हो गया, ये स्वैपिंग हो गया। सी एल अभी भी कितना है, 1 है, 1 से कम होकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, ये देखो ये 0 हो गया। अब जब 0 हुआ तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है कि अभी हमें सबसे ये जो 5 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर तो मिल गया, और सी एल 0 हो चुका है, डी आई 3005 पे जा चुका है। अगली बार हमें क्या करना है कि अब यही जो है 3001 से स्टार्ट करना, 3001 को 3002 से, फिर 3001 को 3003 से, फिर 3001 को 3004 से मैच करना है। तो अभी जो मैचिंग है ना, वो 3001 से स्टार्ट करना है। इसलिए अब क्या होगा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखो SI को बढ़ा रहे हैं, SI जो 3000 है उसकी जगह 3001 कर दे रहे हैं, DX जो 3001 था उसकी जगह 3002 कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, CH जो 4 था उसको कितने कर दे रहे हैं, 3 कर दे रहे हैं। अभी ये 4 से 3 हुआ, 0 तो हुआ नहीं, तो किस पे जाएगा, बैक 1 पे जाएगा। अब बैक 1 पे जो सी एच की वैल्यू है 3, क्योंकि सी एल तो कम होते होते 0 हो गया था, मगर अभी हमें 3 बार फिर से मैच करना है, और क्या करेंगे, सी एल में भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और क्योंकि 3001 को 3002 से स्टार्ट करना है, तो डी एक्स की वैल्यू 3002 थी, तो डी आई में भी कितना आ गया, 3002, तो अभी 3001 का 3002 से मैचिंग करेगा। ठीक है, मतलब हमारा पहला नंबर मिल गया था, अब अगले नंबर के हिसाब से, तो अब पहली वैल्यू आएगी ये 15, है ना, और दूसरी वैल्यू आएगी 25, और फिर 15 और 25 का मैच होगा तो वो आपस में स्वैप हो जाएंगे, यहाँ पे स्वैप हो जाएंगे, देखना ये स्वैप हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपका 3001 पे तो 25 आ गया, 25 और 35 को जब मैच करेंगे तो फिर स्वैप हो जाएंगे, ये 25 और 35 स्वैप हो जाएंगे, ये 25 और 35 स्वैप हो गए, ये दो बार मैचिंग हो गया। फिर यहाँ पे 35 आएगा और वो 45 से मैच होगा, कंपेयर होगा, तो ये 35 और 45 की मैपिंग हो रही है, मैचिंग हो रही है, फिर ये स्वैप हो जाएंगे, 35 और 45 स्वैप हो जाएंगे। देखो ये 45 हो गया, ये 35 हो गया, यहाँ पे देखते रहना। ठीक है, तो अब हमारा 3 बार मैचिंग हो चुका है ना, सी एल की वैल्यू देखो 1 आ गई, 1 से क्या हो जाएगा, 0 हो गया, 0 हो गया तो बैक पे जंप नहीं करेगा। अब ये एस आई 3001 से 3002 हो जाएगा, डी एक्स 3002 से 3003 हो जाएगा। ठीक है, सी एल 0 हो चुका है, ठीक है, सी एच 3 से 2 हो जाएगा और बैक पे जाएगा, बैक पे जाएगा, सी एच की वैल्यू सी एल में आएगी, 2 आ जाएगा इधर, है ना, अब दो बार मैचिंग रिक्वायर्ड है। फिर यहाँ पे नई वैल्यू 35 आ गया, 15 से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से आपको ये इसको प्रोग्राम को रन करते जाएंगे आप। ठीक है, यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली स्वैप होता जा रहा है और यहाँ पे वैल्यूज बढ़ती जा रही है, आखिरी फाइनली आपका ये भी स्वैप हो गया और ये आपका प्रोग्राम एंड हो गया, ये RET लिखा मतलब एंड हो गया।
ये बहुत प्रोग्राम एंड हो गया। फाइनली आपकी ये पांचों वैल्यूज क्या होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगी। अब इसी प्रोग्राम को अगर आपको असेंडिंग करना था तो केवल ये जेसी की जगह जेएनसी की जगह जेसी लिख देना, दैट्स इट। बाकी यही प्रोग्राम किसके लिए हो जाएगा, असेंडिंग के लिए हो जाएगा। डिसेंडिंग के लिए यहाँ पे बस जेएनसी लिखना है, असेंडिंग के लिए जेसी लिखना है, ठीक है। तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग का प्रोग्राम कई बार पूछा है, इसलिए मैंने इसका स्पेशली अलग से वीडियो बनाया है ताकि आप लोग इसको ध्यान से समझें और एग्जाम में करेक्टली लिख के आए। ओके, चलो ये आपके प्रैक्टिकल सारे कंप्लीट हो गए हैं, है ना। इसके बाद में कोई प्रैक्टिकल नहीं है, आपके सारे प्रैक्टिकल यहाँ पे कंप्लीट हो गए।